उसको आने तो दो कट बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? नहीं रितिका, मजा नहीं आया। थिएटर बहुत, थिएटर में बड़ी मूवमेंट है। मेरी बात सुनो। क्या सुनूंगी? पिछले 8 महीने से सिर्फ सुनती तो आई हूँ, और अगर आगे भी तुम्हारे साथ रही तो यही सब सुनती रहूंगी। एक टर्निंग चलो, क्या सुनूंगी? देखो प्लीज मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? पिछले 8 महीने से सिर्फ सुनती तो आई हूँ, और अगर आगे भी तुम्हारे साथ रही तो तुमने मुझे रोलिंग मेरा पापा से शुगर के साथ रोलिंग एक्शन। क्या कहा था कल तुमने मुझे? ट्रस्ट मी रितिका, मेरा पापा सिर्फ शिखर को ईशानी से बचाना है, ईशानी के पास जाना नहीं। वो हमारे बीच कभी नहीं आई। हाँ, वो हमारे बीच में नहीं आती। तुम बार बार उसे हमारे बीच में लेकर आते हो। हमेशा जब भी उसकी बात होती है मुझे झूठ ही बोलते हो, मौके ढूंढते हो बार बार उससे मिलने के, उसे तंग करने के, उसे बदनाम करने के। तुम्हें शिखर की कोई परवाह नहीं है। अगर शिखर की जगह और कोई भी होता तो भी तुम यही सब करते, क्योंकि तुम ईशानी को किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। तुम दोस्ती के आड़ में ईशानी के साथ रोलिंग 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 एक्शन। दोस्ती की आड़ में ईशानी के साथ अपना प्यार निभा रहे हो। अभी भले ही तुम उसके बारे में बात ना करो, लेकिन तुम सिर्फ उसके बारे में सोचते हो। ईशानी ना तो तुम्हारी जिंदगी से भाग गई है ना तुम्हारे दिल से। ये झूठ है, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। अगर ये झूठ है तो मुझे प्रूफ करो। तुम्हें प्रूफ चाहिए? ठीक है, आज के बाद से मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद से मैं ईशानी तो क्या शिखर के पास तक नहीं जाऊंगा, ना उनके घर पर जाऊंगा, ना उनकी शादी होकर फंक्शन अटेंड करूंगा। आज के बाद से मैं उन्हें कभी नहीं मिलूंगा, ठीक है? मेरे क्या प्रूफ हो गया जसली? ईशानी ना तो तुम्हारी जिंदगी से बाहर गई है ना तुम्हारे दिल से। ये झूठ है, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अगर झूठ है देन प्रूफ। मैं ईशानी तो क्या शिखर के पास तक नहीं जाऊंगा, ना उनके घर जाऊंगा, ना उनकी शादी का कोई फंक्शन अटेंड करूंगा। आज के बाद से मैं उन्हें कभी नहीं मिलूंगा, ठीक है? मिल गया प्रूफ, हो गया तसल्ली? हो गया तसल्ली? तो बोलो, रुको रुको, हो गया तसल्ली? मिल गया प्रूफ, हो गया तसल्ली? तसल्ली दिलाओगे? मुझे तसल्ली तो दे दे। हाँ, ठीक है। कोई इज्जत मुझे वापस दे सकती हो? रोलिंग दे सकती हो? एसी भी चलाया। चलो एसी ऑफ। रोल, चलो, ओके रोल, रोलिंग। Rolling. Mood. Action. मुझे तसल्ली तो दे दी तुमने, तो क्या मेरी खोई हुई इज्जत तुम मुझे वापस दिला सकते हो? जितने लोगों के साथ
ना मेरी खोई हुई इज्जत तुम मुझे वापस दिला सकते हो। जितने लोगों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई, लोगों ने हमारे रिश्ते को लेकर सवाल उठाए, जो ह्यूमिलेशन, जो एम्बैरेसमेंट मुझे फेस करना पड़ा, वो वापस दिला सकते हो मुझे? सॉरी, वो उसको क्या करोगे? रोलिंग, रोलिंग। भाई, दो मत करो, एनर्जी, एनर्जी इतनी ही रहेगा। रोलिंग, रोलिंग। उसके लिए क्या करोगे? रोलिंग। एक्शन। जो ह्यूमिलेशन, जो एम्बैरेसमेंट, ये सब मुझे फेस करना पड़ा, उसके लिए क्या करोगे तुम? सबको लगता है कि तुम्हें ईशानी की परवाह है, अपनी बीवी की नहीं। तो अगर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह है और तुम चाहते हो कि मेरी खोई हुई इज्जत और आत्मसम्मान वापस मिले, तो तुम मेरे साथ उनके हर फंक्शन पे चलोगे। हाँ, जब तुम मेरे साथ चलोगे, हाँ तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन उन्हें इग्नोर करोगे, मेरे साथ उनके सामने चलो, उनके सामने जाओगे। अच्छा, मेरे साथ उनके सामने। रोलिंग, रोलिंग। एक्शन। हाँ, तुम मेरे साथ उनके सामने जाओगे, लेकिन उन्हें इग्नोर करोगे, उन्हें देखोगे लेकिन बात नहीं करोगे। हाँ, हाथ कब पकड़ दिए? नहीं बात में ना, हाथ पकड़ने वो तो जब बोलूंगी खुद इग्नोर करोगे, उन्हें देखोगे लेकिन उनसे बात नहीं करोगे, उनके सारे फंक्शन में ऐसे पार्टिसिपेट करोगे जैसे तुम उन्हें सिर्फ जानते हो। उसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही। सबको लगता है कि तुम उन दोनों की शादी इसलिए तोड़वाना चाहते क्योंकि तुम अब भी शादी से प्यार करते एक्चुअली चीज़ ऐसी होती है कि मैं पहले रितिका को प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं ईशानी के पास नहीं जाऊँगा और उसे नहीं मिलूँगा और सारी यादें उसके भुला दूँगा। जितनी बार भी प्रॉमिस करता हूँ उतनी बार मैं ईशानी के पास जाता हूँ, तो मैं अपना कहीं ना कहीं अपना प्रॉमिस मैं तोड़ता हूँ। तो एक बार तो मुझे वो उसके साथ किस करते हुए पकड़ लेती है, फिर दूसरी बार मैं सुबह 5 बजे उसके साथ उसके घर पर जाके उसके साथ कुछ बात कर रहा हूँ या उसके ऊपर उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा हूँ, तब भी मुझे पकड़ लेती है। तो अभी उसका दिमाग पूरी तरीके से सनक जाता है कि ये लड़का बाज नहीं आएगा, और जितना भी मतलब ये कह ले कि ये ईशानी से मतलब प्यार नहीं करता या भुला चुका है ईशानी को, ये सब झूठ कह रहा है। और मतलब आइडली मैं उसके हिसाब से मैं शादीशुदा हूँ दुनिया वालों के हिसाब से, तो वो मुझे कहती है कि तुम मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस दो, जो तुम मुझे सम्मान घर में देते हो वही सम्मान तुम मुझे बाहर भी दो, क्योंकि मेरा तमाशा बन गया बाहर। सो मुझे बहुत बुरा फील होता है उस चीज़ का, और मैं उसे प्रॉमिस करता हूँ कि ठीक है, मैं अब से मैं ईशानी से बिल्कुल भी नहीं मिलूंगा, ना शिखर से मिलूंगा, अभी मेरे लिए वो लोग बाहर में गए। हाँ, तो अब जैसा उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें ईशानी को और उसकी पूरी फैमिली को सॉरी बोलना पड़ेगा जो तुमने तमाशा खरीद किया, तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो अभी फाइनली मुझे ईशानी के पास जाना पड़ेगा और सब लोगों के सामने ईशानी से माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। नहीं, ऑन कैमरा, सच में मत बोलो ना ऐसा। सच में मतलब ऑन कैमरा में अभी भी ईशानी के लिए प्यार है? वो रणवीर जो है वो ईशानी को, शिखर को ईशानी से बचाना चाहता है, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं अभी भी वो ईशानी से प्यार करता है, एंड दैट इज़ वाई वो घड़ी घड़ी वापस वो ईशानी को जाके कुछ ना कुछ सुनाता रहता है। जब भी वो देखता है कि शिखर और ईशानी थोड़े से यू नो पीडीए कर रहे हैं, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, तो वो सह नहीं पाता है जब भी ईशानी उससे क्लोज जाती है या शिखर उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। तो प्यार तो अभी भी है, प्यार मरा नहीं है, बचपन से प्यार करता है उससे, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ अ लव एंड हेट रिलेशनशिप, जहाँ उसको प्यार भी बहुत करता है और अभी इस वक्त उससे नफरत भी करता है। फैंस को बस ये कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच, आप लोग हमारा शो कैसे टॉलरेट कर रहे हैं नहीं पता, पर TRPs अच्छी खासी बढ़ गई हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि TRPs बढ़ गई हैं, और आपने नच बले में मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे काफ़ी ट्वीट्स और काफ़ी मैसेजेस आए कि मैंने क्यों छोड़ा, पर थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर विशेज, एंड कीप वॉचिंग मेरी आशिकी। अच्छा, हमने ट्वीट्स में पढ़े हैं काफ़ी फीमेल्स फैन आपके बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही, तो उनको आप क्या बोलना चाहिए? फीमेल फैन फॉलोइंग जो
है, मैं बस उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ और मैं क्या बोलूँ, मुझे तो शर्म आती है. इट्स गुड टू नो, इट्स फ्लैटरिंग एंड या आई लव यू बैक. थैंक यू सर, थैंक यू सर. कोई छोटा नहीं होता और तुम देखना मेरे साथ साथ तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी. आरबीआई नो तुम्हें लगता है कि ईशानी रॉन्ग है लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई भी सबूत नहीं है. और शिखर ईशानी को पसंद करता है तो एज अ फ्रेंड हमारा बिल्कुल हक नहीं बनता कि हम उसकी पसंद को गलत ठहराए. इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन दोनों से माफी मांगो, ईशानी को झूठा कैरेक्टरलेस और धोखेबाज कहने के. और अगर ऐसा करने में तुम्हें कोई मुश्किल आए तो रिएक्शन देखो तो तमाम रोली एक्शन. और अगर ऐसा करने में तुम्हें कोई भी मुश्किल आए तो ये बात याद रखना कि जब तक तुम ईशानी की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारी पत्नी की भी इज्जत नहीं करेगा. ईशानी की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारी पत्नी की भी इज्जत नहीं करेगी.
सिर्फ लुक अवे कर दो, डायलॉग नहीं चाहिए। तो बेसिकली मैंने लुक अवे किया, बस वही मैं स्टैटिक रहा हूं बस ना। रोल टू शॉट बना, रेडी टेक, झूठ आओ आ रहे रोल रोलिंग। मेरे दिल में ईशानी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ये झूठ है, ये झूठ है, मेरे दिल में ईशानी के लिए कोई जगह नहीं है। ये झूठ है, मेरे दिल में ईशानी के लिए कोई जगह नहीं है। फोकस पीछे आओ, गुस्सा से। अगर ये झूठ है तो सब